देखो बच्चे लोग, हम लोग वीडियो के इस पार्ट में जो है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस रूल से होगा और इमेज कैसे बनेगा, इसका स्टडी आज करेंगे। देखिए एक्चुअल में ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। मैं इसके पहले कई बार बता चुका हूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो पॉलिश होता है, बल्जिंग जो साइड होता है उसके अपोजिट साइड में होता है। तो देखिए एक बात और बता दें, ये भी मैंने बताया था कि जो ये स्फेरिकल मिरर होते हैं ये किसी स्फीयर का पार्ट माना जाता है। तो देखिए एक्चुअल में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सपोज करिए इधर, देखिए सी इधर होगा और एफ जो है आपका फोकस भी इसी साइड होगा। अच्छा अब हम आपको जो है रूल जो है बताएंगे कि जो है किस तरह से जो है ये कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसके पहले कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट रूल हम लोग क्या लेते थे कि वन रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए वही फर्स्ट रूल, जो एक रेज जो है ये फर्स्ट रेज, ये जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया गया। तो देखिए चूंकि इधर पॉलिश है इसलिए ये क्या होगी, ये जो है एक्चुअल में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए ये जो है यहां से देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गई, ध्यान दीजिए ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन फोकस से, देखिए फोकस से ये जो है अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, मतलब ये जो है फोकस से आती हुई अपीयर होगी। देखिए ध्यान दीजिए ये रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी बट हम लोग ये माना जाता है कि ये जो रेज है, ये रेज जो है ये फोकस से जो है पास होगी, ये फोकस से जो है पास, देखिए क्लियर पास, देखिए पास तो देखिए यहां पॉलिश है तो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये माना जाता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा देखिए तो ये है आपका फर्स्ट रूल। उसमें क्या था, कॉनकेव मिरर में जो है आफ्टर जो है स्ट्राइकिंग फोकस से जाती थी बट यहां फोकस से अपीयर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए दूसरा रे इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर में हमको जो है दूसरा जो रे लेना है वो सी से, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए ध्यान दीजिए अगर एक रेज जो है सपोज करिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया जाए, जरा ध्यान दीजिए ये रेज जो है कहां से लिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर के साथ क्या बना, नॉर्मल बनाती है, मैं बताया था आपको। और एक बात और बताया था मैं, ये चीज और बताया था कि जो है ये जो है उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जो सी से जो है जो भी रेज आप लेंगे वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, देखिए ये जो है यहां से क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। देखिए चूंकि इधर पॉलिश है तो इधर का जो सिचुएशन बनेगा वो डॉटेड बनेगा, ध्यान रखिए। उसी तरह मैंने फोकस वाले में भी डॉटेड बनाया था, मतलब
क्या इसमें माना जाता है कि appear to come from center of curvature, ये माना जाता है कि ये जो रेज है appear to come from center of curvature, बात समझिए। तो ये देखिए, और एक बात और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ध्यान दीजिए कि इमेज का फॉर्मेशन में कम से कम टू जो है, टू रे जो है से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, मिनिमम टू रे लेना पड़ता है। तो देखिए कॉन्वेक्स के केस में इन्हीं टू रे से हमारा काम चल जाता है। तो फिर मैं एक बार जल्दी से बता दूं, वन रे क्या लेंगे, पहला रूल है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, और दूसरा रे जो है क्या लेंगे, सी से पास होते मतलब सी से होता हुआ जो है एक रे ले लेंगे, बस इन्हीं दोनों से हमारा जो है क्या हो जाएगा, जो है रे डायग्राम बन जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कि कॉन्वेक्स मिरर से जो है इमेज का फॉर्मेशन मतलब कैसे होगा। तो इसमें जो है हम आपको बता दें, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में देखिए अभी अभी हमने बताया कि जो फोकस होता है ये जो है जो पॉली साइड है उधर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है आपका पॉली साइड में ही होता है। तो देखिए एक चीज और बता दें, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो आपका इसी साइड रखेंगे, अगर इधर रख देंगे तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट का कोई इमेज नहीं बनेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को आप यही रखेंगे। तो इसमें देखिए एक बात बता दे, उसमें सिक्स केसेज हम आपको बताए थे, इसमें ओनली टू केस होता है, इसमें जो है ओनली टू केस होता है। फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, और सेकंड केस जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन, देखिए ये पोल है, पोल एंड इनफाइनाइट, पोल एंड इनफाइनाइट, बस ये टू केस होता है। लेकिन हम आपको यहां पर चार केस का स्टडी करा देंगे, चार केस का स्टडी, टू केस होता है बट हम फोर फिगर से आपको समझाएंगे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है आपका केस याद करिए, फर्स्ट केस हम आपको स्टडी कराएंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर हो। सेकंड केस का हम स्टडी आपको कराएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान दीजिए कि जो है सपोज करिए जो इसका फोकल लेंथ है उससे जो है थोड़ा दूर हो, फोकल लेंथ से दूर हो, जैसे फोकल लेंथ सपोज करिए 50 सेंटीमीटर है, सपोज करिए, तो हम उसको कहां रखेंगे, 50 के बजाय 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ से जो है ग्रेटर डिस्टेंस पर रखेंगे, इसका मतलब फोकल लेंथ के ग्रेटर डिस्टेंस पर रखेंगे। तीसरा सिचुएशन हम आपको जो है इक्वल टू फोकल लेंथ, और फोर्थ जो सिचुएशन हम आपको बताएंगे, देखिए मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि सिचुएशन दो ही पढ़ना है बट हम आपको चार फिगर से समझाएंगे ताकि आपको कभी भी जीवन में मत भूले, बस। तो ये जो है फोर्थ सिचुएशन लेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, ध्यान दीजिए, लेस देन फोकल लेंथ, बहुत इजी बात है, आप इससे घबराइए नहीं। देखिए पहली बात सुनिए, एक्चुअल में फर्स्ट केस हमने आपको बताया था, इसमें दो ही केस होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर हो, तो हम आपको फर्स्ट केस समझाने जा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस यही है, ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पर। तो देखिए इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होता है, मैं कई बार आपको उस बार भी इसके पहले वाले में भी बताया था कि जो है इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया नहीं जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं, सपोज करिए ये जो है आपका
क्या एक रेज जो है सपोज करिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट से आ रही है, चलिए, और एक रेज नीचे भी ले लीजिए पैरेलल टू जो है प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट से ये रेज आ रही है। अब ये क्या होगी, मैंने आपको देखिए फर्स्ट केस का इमेज फॉर्मेशन हम आपको सिखा रहे हैं, ये क्या होगी बात समझिए, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा दोनों दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है, देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, भाई देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे फिलहाल देखिए यहां इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कहां बनेगा फोकस पर। और एक बात और बता दें, कॉनकेव मिरर में भी इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट रखा गया था तो कहां बना था इमेज फोकस पर, इस केस में भी कहां बना फोकस पर। अब देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये जो फोकस पर इमेज बनेगा ये पॉइंट इमेज बनेगा, कैसा बनेगा पॉइंट इमेज, ध्यान दीजिए वेरी वेरी डिमिनिश्ड, वेरी मतलब डिमिनिश्ड बनेगा, एकदम डिमिनिश्ड एंड पॉइंट इमेज बनेगा, कैसा बनेगा पॉइंट इमेज, बात को समझिए। तो ये फर्स्ट केस था, ये क्या था फर्स्ट केस था। सेकंड केस जो है, अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि जो सेकंड केस है वो आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट देखिए मान लीजिए सपोज करिए जितना इसका फोकल लेंथ है, जितना इसका फोकल लेंथ है उससे जो है थोड़ा अधिक डिस्टेंस पर हो, तो देखिए फोकल लेंथ ये जो है आपका इतना है तो मैं इसको यहां पर रख दे रहा हूं, देखिए ये फोकल लेंथ से जो है अधिक ही डिस्टेंस है, देख लीजिए पी और एफ के बीच का डिस्टेंस जो है देखिए, और ये मैंने ज्यादा डिस्टेंस लिया है। अब मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूं, कोई बात नहीं ध्यान दीजिए ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। मैं आपको बार बार कहा था कि वन रे क्या, देखिए दो रूल बताया था कि फर्स्ट रूल था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए ये जो है बना हुआ है, इसको जो है रिपीट करने की हमको जरूरत नहीं है। सेकंड रे हम लोग सी से लेंगे, सेकंड रे सी के जो है लाइन में लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिए हमने हम जो सेकंड रे देखिए देखिए ध्यान दीजिए ये जो है सी से जो है देखिए सी के लाइन में जो है हमने क्या किया सेकंड रे को लिया, देखिए अब देखिए तो ये जो रे चलेगी ये फॉर्म चलेगी, ये रे जो है फॉर्म होगी और ये जो है यहां पर क्या होगी स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके जो है फिर क्या होगी रिटर्न बैक हो जाएगी। लेकिन मैं इस बात को बार बार आपसे समझा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है, माना जाता है कि ये सी से आ रही है, अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये देखिए बात समझिए, ये जो देखिए जो आपका पैरेलल रेज था, ये जो पैरेलल रेज जो है ये क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई और ये डॉटेड जो है देखिए बनाया गया बढ़ाया गया था तो यफ से होकर के जाती हुई जो है प्रतीत हो रही है। अच्छा ये दोनों रेज देखिए यहां पर क्या की है इंटरसेक्ट की है, यहीं पर क्या मैंने कई बार बताया है इसके पहले वाले भी वीडियो में कि जहां दो रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहीं पर इमेज बनेगा। तो यहां पर मैंने अभी अभी कहा है कि ये जो है अपीयर टू ये वाली जो रे है अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस और ये है अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कट की है, देखिए यहां पर क्या बनेगा इमेज। बहुत ही अब जो है मैं
बार बार आपसे कहूंगा इस इमेज का क्या जो है, क्योंकि वहां पर पॉइंट इमेज था, वहां पर पॉइंट इमेज था, लेकिन यहां तो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इसलिए इस इमेज की प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, इमेज कैसा बना सोचिए, इसमें भी स्मॉल साइज कैसा है, स्मॉल साइज, बात समझिए, ये लिखना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल साइज। देखिए इसी को कहते हैं डिमिनिश्ड, क्या कहते हैं डिमिनिश्ड, ध्यान दीजिए डिमिनिश्ड, बहुत इजी बात है डिमिनिश्ड, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब बताइए इमेज कैसा, हम इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम इमेज की ना कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो इमेज कैसा है, इरेक्ट है, कैसा है, इरेक्ट है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इरेक्ट की। चलिए जब इरेक्ट होता है तो हमने कई बार बताया था वर्चुअल होता है, कैसा होता है, वर्चुअल, चलिए तो ये कैसा हो गया, वर्चुअल वर्चुअल। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब आप देखिए किधर बना, किधर बना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, और इमेज किधर बना, इधर बना, तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, या तो बिहाइंड द मिरर कहिए या टुवर्ड्स जो है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स जो है, देखिए बिहाइंड मिरर, मिरर देखिए इसको जो है फ्रंट मिरर हमने कहा है, तो ये हो गया बिहाइंड मिरर, क्या कहा हो गया, बिहाइंड द मिरर, या इसी को आप लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स जो है फोकस आर सी, टुवर्ड्स जो है टुवर्ड्स जो है एफ आर सी, एफ आर सी के तरफ बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये रहा आपका जो है, सपोज करिए ये जो क्या है ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से अधिक डिस्टेंस पर रखा गया हो। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्ट जो है सपोज करिए, देखिए बस इतना ही आपको पढ़ना है, बट हमने आपसे एक चीज कहा था कि सपोज हम लोग तीन चार केस इसमें देखेंगे तो हम लोगों का जो है एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए ये फोकल लेंथ है, तो ये फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर हम लोग क्या कर दें, इस ऑब्जेक्ट को रख दें, इक्वल डिस्टेंस, देखिए ये जितना भी है उतना ही जो है ये भी ले लिया मैंने। चलिए अब देखिए जो दो 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 जो दो रूल मैंने बताया है, ध्यान दीजिए दो रूल बताया है, तो फर्स्ट रूल तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, फर्स्ट रूल यही हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी पैरेलल जो है एकरेज ले लिया, जो कि देखिए क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये तो सिमिलर केस हो गया। और दूसरा जो है ध्यान दीजिए इसमें सेकंड रे हमने कहा था सी से ले लिया जाए, कहां से ले लिया जाए, सी से, जरा ध्यान दीजिए यहां सी से ले लिया गया, सी से ले लिया। देखिए एक चीज बता दें, हम बार बार कहेंगे इसके पहले वाला इमेज ये बना था, ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरत हमें इसलिए है कि हम आपको ये इंडिकेट करना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अच्छा अब मैं एक बात बता दें, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब देखिए हमने जो है सेकंड रे जो है कहां से लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए ये क्या होगी, रिटर्न बैक हो जाएगी, बट बार बार मैं कह रहा हूं आई पी आर टू कम फ्रॉम सी, और दोनों एक दूसरे को देखिए कहां कट की है, यहां, तो यहां पर क्या बना, इमेज, क्या बना, इमेज। देखिए आप बताइए ध्यान दे, अच्छा कहेंगे कि ए बी वर्मा ये जो है इमेज क्यों छोटा सा रखे हुए हैं, मैं इसीलिए कि उस बार ऑब्जेक्ट कहां था, उस बार ऑब्जेक्ट कहां था। अच्छा एक चीज और बता दें, एक चीज फर्स्ट केस में जो है फिफ्थ जो यहां लिखा हुआ बिटवीन पी एंड एफ फर्स्ट केस में बना, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो बिटवीन पी एंड एफ। चलिए सेकंड केस हम लोग इक्वल टू फोकल लेंथ,
पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर भी देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इमेज की प्रॉपर्टी लिखेंगे, स्मॉल साइज डिमिनिश सेम, इरेक्ट सेम, वर्चुअल सेम, बिहाइंड द मिरर टुवर्ड्स फोकस आर सी सेम, बिटवीन पी एंड एफ सेम। देखिए ये पांचों आइटम आपका नहीं बदला, बस एक बात आपसे मैं बार बार कहूंगा, ध्यान दीजिए कि देखिए मिरर के तरफ जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां था और इधर गया तो इमेज पहले इतना बड़ा था, ध्यान दीजिए अब बड़ा थोड़ा सा, मतलब कंपेरेटिवली बड़ा हुआ है। अच्छा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो पॉइंट इमेज बना, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के टुवर्ड्स जाता है वैसे वैसे ये इमेज जो है थोड़ा लार्ज होता है, बट हमेशा ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा हमेशा हर केस में। बट मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, वैसे वैसे ये जो इमेज है बढ़ता जा रहा है, थोड़ा इमेज जो है स्मॉल तो है ही लेकिन बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग इसके बाद लास्ट केस ले लें कि भाई ये जो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, एक केस और कि मतलब इसको जो है फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख लिया जाए, बस फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख लिया जाए। देखिए अब फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा कि इसमें सिर्फ दो ही केस होता है, एक आपका इनफाइनाइट वाला और एक आपका ये कोई भी, जैसे यहां रखे थे फिर यहां रखे हैं फिर यहां रखे हैं, इतने ये केस होते नहीं है। बट हम आपको ये समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहां से ये पैरेलल रे हमने ले लिया, ये तो सेम है, देखिए दूसरा रे हम लोग क्या लेंगे, सी से होता हुआ, कहां से, सी से, सी के लाइन में, देखिए ले लिया यहां से यहां तक, देखिए बार बार मेरा कहना है यहां से यहां तक ये फर्म होगा, कहां क्या होगा, फर्म होगा, और ये जो है डॉटेड होगा, इधर क्या होगा, डॉटेड होगा। और देखिए यहां पर दोनों, फिर मैं बात यही कहूंगा, ये जो रेज है ये रे अपीयर टू कम फ्रॉम सी और ये जो रेज है अपीयर टू कम फ्रॉम एफ। चलिए तो यहां पर देखिए यहां इंटरसेक्ट किया है तो ये जो है क्या बना, इमेज। एक ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान दें तो पहले इमेज यहां बना था फिर अभी यहां बना था, अब जो है इमेज देखिए हर केस में पी और एफ के बीच ही में भर बन रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं फर्स्ट केस में एफ पर बना था, चलिए कोई बात नहीं, बट और केस में कहीं भी आप रख लीजिए, पूरे कहीं भी रख लीजिए तो आपका इमेज हमेशा जो है पी और एफ के बीच बनेगा। बट ये है कि देखिए ये थोड़ा और लार्ज हुआ, बट ऑब्जेक्ट के कंपरेटिव में, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में ये स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है। तो ये मिला लीजिए, देखिए थर्ड, ये जो फोर्थ केस अभी हमने बताया है कि फोकल लेंथ से कम दूरी पर जो है कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो देखिए स्मॉल साइज ये, इरेक्ट देखिए, वर्चुअल देखिए, बिहाइंड द मिरर टुवर्ड्स या फैंसी, बिटवीन पी एंड एफ, तो कोई चीज देखिए बदला नहीं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए सिर्फ इनफाइनाइट को छोड़ करके ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, इनफाइनाइट और पी के बीच में कहीं एनी वेयर कहीं रख लीजिए तो इमेज हमेशा पी एंड एफ के बीच बनेगा, पी एंड एफ के बीच बनेगा। और स्मॉल मतलब ईच केस में स्मॉल बनेगा, कैसा बनेगा,
स्मॉल बनेगा। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर की कहानी थी। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज स्मॉल जो है इमेज बनता है, ऑलवेज स्मॉल बनता है, कभी ऑब्जेक्ट से लार्ज नहीं होता। और ऑलवेज देखिए, इनफाइनाइट जो है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो उसको छोड़ करके ऑलवेज पी और एफ के बीच बनता है। एक और बात है, जैसे जैसे ये मिरर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, वैसे वैसे ये इमेज जो है, ध्यान दीजिए, इमेज फोकस से पोल की तरफ क्या हो रहा है, जो है मूव कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, बट हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉल रहेगा। तो इस तरह से देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन जो है कॉन्वेक्स मिरर क्या रूल है, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। और फिर मैं एक बार बता दूं, इसमें ओनली टू केस होता है, फर्स्ट जो है इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी हो। बट हमने चार केस बनाया था, मतलब थ्री केस, जो इनफाइनाइट और जो है आपका पोल के बीच थ्री केस बना दिया था, इसीलिए कि आपको ये क्लियर हो जाए कि देखिए इमेज किस तरह से जो है, जैसे जैसे जो है ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज का जो साइज है वो स्मॉल तो रहना ही है बट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी और इधर जाएगा तो ये इमेज थोड़ा और बढ़ेगा। बट हमेशा ये जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉल रहेगा और बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, एक्सेप्ट इनफाइनाइट पोजीशन वाला जो है उसको छोड़कर। तो इस तरह से इस पार्ट में मैं इतना ही बताऊंगा। धन्यवाद।